हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेरी इनू टोकन के न्यू लिस्टिंग के बारे में। बहुत जल्द हमें इसकी एक न्यू एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी। क्या इस समय इसको बाय करना ठीक रहेगा या नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें। इसकी जो करंट वैल्यू है वो 0.110 के बाद $9.04 चल रही है। 33% का इसमें डाउन चल रहा है। 3224 इसकी रैंक है। 3974 होल्डर ने इसको वॉच लिस्ट में ऐड किया है। इसका जो आज का ऑल टाइम हाई था वो 0.1010 के बाद $15 का हाई था। एंड आप इसको इस समय बाय ना करें, क्योंकि ये डाउन जा रहा है और आप इसमें एक दो दिन का वेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउन जाता है तो आप इसको बाय कर ले, क्योंकि इसकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है और जैसे ही एक्सचेंज लिस्टिंग की न्यूज आती है तो हमें इसके अंदर पंप देखने को मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा इसका डाउन आने का वेट कर सकते हैं, फिर इसको बाय कर सकते हैं। इसके यहाँ पर अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि $2,41,000 की 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रही है। इसका फुल मार्केट कैप $4.1 मिलियन का चल रहा है। इसके यहाँ पर ट्विटर अकाउंट की फॉलोअर्स की बात करते हैं तो इसके ट्विटर अकाउंट पर 12,800 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन्होंने सर्टिक के लिए अप्लाइड किया था, यानी कि सर्टिक ऑडिट ऑनगोइंग 70%, यानी कि इन्होंने सर्टिक ऑडिट के लिए अप्लाई किया था और इनका 70% सर्टिक ऑडिट कम्प्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग। अब बात करते हैं कि इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग कब है। तो जेरी इन्होंने 9 घंटे पहले ट्वीट किया था, अमेन सम गाइज जेरी ग्राउंड प्लस 1700 होल्डर फ्रॉम यस्टरडे, नाउ 8784 होल्डर्स, ऑफिशियल सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग अनाउंसमेंट आफ्टर रिच 10,000+ होल्डर, लेट्स गो वी आर जेरी, जेरी इज लीडिंग मीम सीजन। यानी कि अभी जो इसके होल्डर हैं वो 8,784 होल्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसे ही 10,000 होल्डर कंप्लीट होते हैं तो ये अपने फर्स्ट एक्सचेंज की अनाउंसमेंट कर देंगे, और जैसे ही फर्स्ट एक्सचेंज की अनाउंसमेंट होती है तो इसके अंदर हमें काफ़ी शानदार पंप देखने को मिलेगा। और फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद बिग पार्टनर अनाउंसमेंट, यानी कि बड़े पार्टनर्स के साथ ये अनाउंसमेंट करेंगे, साथ में उसके बाद इनका खुद का स्वैप लॉन्च करेंगे, यानी कि जेरी स्वैप रिलीज। फिर इसका जो अपडेट आएगा वो एम्बेसडोर जेरी इन, और फिर जो इसका अपडेट है वो नेक्स्ट फेज, यानी कि नेक्स्ट फेज में कौन कौन से अनाउंसमेंट करेंगे, कौन कौन सी अपडेट आएगी, वो नेक्स्ट फेज में हमें मालूम चलेगा। इससे पहले इसकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगी और उसमें हमें छोटा सा पंप ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।